हाँ जी, आज है 22 मार्च 2022। रोजाना दी तरह खबरों का जिहड़ा सिलसिला शुरू करते हैं। सब तो पहला जिहड़ा नवीन मुद्दा जिहड़ा साडे सामने आया है, वह है विकास की दर नाल रिलेटेड। गल करते हैं कि यह धारणा आई है कि विकासवादी तब्दीलियां, यानी कि देखो विकास अगर असी परिवर्तन की गल करते हैं तो परिवर्तन चाहे असी आम समाजिक जिंदगी दे विच ला लीए, उहदे पहलुआं ते ला लीए, जां असी वातावरण दे नाल संबंधित ला लीए, तो विकास होना, विकास के परिवर्तन होना तो लाजमी है। तो यह धारणा आई है कि विकासवादी तब्दीलियां वातावरण परिवर्तन की तुलना के बहुत हौली गति दे नाल हो रही है। हुण देखो अगर इसनू विचारिया जाए कि यह एक आम धारणा है, विकास उदों ही हुंदा है जदों उसके परिवर्तन आता है, तो यह भी गल कहिंदे पूरी तरह सच नहीं हैगी। कि अगर असी देखिए कि साडा जिहड़ा हुण दा माहौल है, वातावरण है, उहदे विच तब्दीलियां आ रही हैं। सीजनस की गल करिए तो उहनां दे विच वी जिहड़ी चेंजेस आ सानूं देखण नूं मिल रही हैं। इसके उल्ट जिहड़े कुछ एक विचार भी साडे सामने आए हैं कि हुण तक कुछ खास हालातों के भी इस तो ओपोजिट साइड विकास नालों रिलेटेड वातावरण की भी जो गल करते हैं, इस तो ओपोजिट साइड नूं साडे जिहड़े सबूत मिलते हैं। विचार की इस लाइन के ड्रेसोफिला आ गए, मिलेनोगास्टर आ गए, फूर फ्राई दे एक प्रयोग आत्मक अध्ययन ने यह दिखाया है कि अनुकूलता की गति वातावरण और मौसमी तब्दीलियों के नाल मेल खाती है। अनुकूल जिहड़ा ट्रैकिंग है इसनों तेजी नाल वातावरणिक तब्दीलियों के जवाब के निरंतर अनुकूलता वजों परिभाषित किया गया। हुण देखो अनुकूल ट्रैकिंग नूं एक नाजुक तंत्र दे वजों जाणिया जांदा है, जिस द्वारा जीव बदलदे वातावरण दे विच वधदे हैं, प्रफुल्लित हुंदे हैं, उहनां दा विकास हुंदा है, पर बदलदे वातावरण दे जवाब दे विच अनुकूल जिहड़ी ट्रैकिंग सिस्टम है उहनां दी जिहड़ी गति है मौजूदा, जिवें देखो वातावरण दे विच असीं तब्दीली दी गल करिए तां हौली हौली जिहड़ी चेंजेस हुंदी हैं। हुण जे प्रजातियां दी भी गल करिए, वातावरण नाल संबंधित या इको सिस्टम दे विच असीं किन देख सकते हैं कि किन्नियां कोई तब्दीलियां, किन्नियां कोई प्रजातियां जिहड़ियां ने किस्म है वह अलोप हो रही हैं, जां जिस हिसाब दे नाल जिहड़ी प्रजातियां है वह वातावरण के अनुसार ढाल दी उहनां नूं ढलना चाहीदा, वह इदां नहीं हैगा। भाव कि बराबर जिवें दा वातावरण दे विच चेंज हो रही है उवें दी जो एटमोसफेयर हैगी है जां प्रजातियां दे विचों चेंज है उसके कंपैरिजन जे असीं गल करिए तां विकास की गति है जिहड़ी उह हौली चल रही है, जिस द्वारा जिहड़े जीव हैगे है वह बदलते हैं। जेकर असी इस संबंधी भी गल करते हैं तो सानू ये चीज जिहड़ी है विकास की दर देखनी चाहिए कि बदलते वातावरण के जवाब के ट्रैकिंग सिस्टम की जिहड़ी गति हैगी है जां विशालता है वह बहुत घट गिणती दे विच जिहड़ी है वह मापी गई है। विकास की दर बारे जेकर असी गल करते हैं तो समय के नाल किसी वंश विच जेनेटिक हो गए जां रूप विज्ञानिक तब्दीली है जिहड़ी देखी जा सकती है उसनू मापिया जा सकता है। जिस गति दे नाल अणु क्याई जो प्रोटीन हो गए, जीन्स हो गए आदि विकसित होंदे हैं, हौली हौली सानू भी पता भी जिहड़ा मनुख दा सरूप सीगा वह पहला की सी, हौली हौली विकास परिवर्तन आया, हौली हौली उसका जिहड़ा सरूप साडे सामने आ गया निखर के। हुण ओह विकासवादी जीव विज्ञान दे विच काफी दिलचस्पी रखदा है क्योंकि यही चीजां जिहड़ियां इह साडे विकास दी दर नूं है जिहड़ी गति नूं है प्रभावित करदियां। हुण कहिंदे इक जीव विज्ञानिक दे विच वी तब्दीलियां आउंदियां, विकासवादी दरां दे नाल तब्दीलियां आउंदियां, दरां दी गणना दे लई इह चीजां जिहड़ियां इह लाभदायक हुंदियां किसे भी स्थिति दे विच। डीएनए दी भी गल कर लईए असीं, जे इस नाल संबंधित सानूं डेटा मिलता है, जैविक रिकॉर्ड मिलता है, दोवें दे जेकर दोनों दे विचारां दी गल करिए इन्हां ते विचार वटांदरा करना, इन्हां ते तुलना करना साडे लई लाभदायक सिद्ध हो सकदा है, खास करके भिन्नता दीआं घटनावां दे समें दा अंदाजा लगाउण जां भू विज्ञानिक समां पैमाने नूं स्थापित करन दे संबंध दे विच। अजिहियां चीजां जिहड़ियां इस संबंधी मैटर करदियां जो साडी विकास दी गति दे नाल पूरे साडे इकोसिस्टम दे नाल साडे वातावरण दे नाल संबंधित है। हुण देखो जी जिहड़ा साडे कोल दूजा मुद्दा साडे सामने आया वह है भारत दे तेल दी दरामद दा। केंद्रीय पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री है जिहड़े हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार नूं राज्यसभा दे विच दस्सिया कि पछमी तेल कंपनियां वल्लों रूस तो निवेश नूं बाहर कढ़न दे लई लए गए स्टैंड बारे तथ्य जमीनी तौर पर वक्खो वक्खरे हन। देखो जांच दे विच की आ रहा है कि भारत है जिहड़ा उह उस तों तेल जां गैस दे जिहड़े स्रोत हैगे आ उह लेना चाह रहा है। हुण देखो
ਪਰੰਤੂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ $16 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਲਾਖਿਨ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ONGC ਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ $337 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ $3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦੀ 20% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 94% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 112 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 70 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਯਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 70 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ
शुरू होंदा है। देखो इत्थे असीं गल करदे हैं वित्त मंत्री वालों हर साल फरवरी दे विच बजट है जिहड़ा सैशन दौरान संसद दे विच पेश कीता जांदा है। चोण साल दौरान जिहड़ा इह सैशन है समय समय दे अधीन जिहड़ा हो सकदा है वख वख हो सकदा है। हुण अगर बजट है बजट तैयार हैगा तो बजट नूं संसद दे विच केड़े केड़े जो सैशन दे दौरान संसद दे विच केड़े केड़े पड़ावां दे विचों लंघना पैंदा है। देखो लोकसभा दे विच वित्त मंत्री बजट है जिहड़े पेश करदे हैं लोकसभा दे विच ओह अपना जिहड़ा बजट ओह पेश कर सकदे हैं। इस दे नाल ही बजट दी कापी भी राज्यसभा नूं जिहड़ी ओह भेजी जांदी है संसद दे मैंबरां नूं बजट उपावां दीआं पेचीदगीआं नूं दूर करन दे लई अगर कोई त्रुटि करनी है अगर किसी नूं डाउट है तो उस संबंधी भी जिहड़ी इक अलग तों जिहड़ी ओह कापी भेजी जांदी है कापी भेजी जांदी है दूर करन दे लई बजट दीआं छपीआं होईआं कापीआं जिहड़ीआं ओह दित्तीआं जांदीआं। बजट पेश होण तों बाद वित्त बिल संसद दे विच पेश हुंदा है। वित्त बिल नवे टैक्सा मौजूदा टैक्सा विच तब्दीलियां जां पिछले टैक्सा नूं रद्द करन दीआं जिहड़ीआं तजवीज़ां दा हवाला भी इस संबंधी दित्ता गया है। मालीए किन्ना कु खर्चा आया खर्चियां दे प्रस्ताव ते संसद दे विच की हुंदी है उस जिहड़ा ओह बजट हुंदा है ओह बिल हुंदा है उस ते की हुंदी है बहस हुंदी है बहस कीती जांदी है संसद मैंबर बहस विच सरगर्मी दा हिस्सा लैंदे आ। ग्रांट दीआं बेनतीआं नूं उस समय संसद दे विच पेश कीता जांदा है जदों बजट हुंदा है। इह अनुदान बेनतीआं नूं दर्शाउंदा है कि कई मंत्रालयां लई जां जिन्ने भी जिहड़े विभाग है संबंधित सरकारी अदारियां दे नाल खर्चियां दे अनुमानां नूं संसद द्वारा वोट दित्ती जाणी चाहीदी है। हुण देखो जिहड़े मैंबर इत्थे असीं गल करदे हां जिहड़े मैंबर ग्रांट दे विच कटौती की तजवीज है जिहड़ी ओह रखदे हैं ओह तीन तरह के कटौती प्रस्ताव है जिहड़े ओह सामने लैके आउंदे हैं जो जां तां वापस ले जांदे हैं जां छड्ड दित्ते जांदे हैं। दलील दित्ती जांदी है क्योंकि उन्हां दा पास होना सरकार विच बेभरोसगी दी वोट दे बराबर हुंदा उस चीज़ नूं लागू होना उस चीज़ नूं लागू करना त्रुटि उस दे विच जिहड़ा इह हैगा बेभरोसगी दे मते दे जां वोट दे बराबर दा दर्जा है जिहड़ा उस नूं दित्ता जांदा फिर भी सरकार दा ध्यान अपने वल खिंचण दे लई कार्यपालिका ते नैतिक दबाव जिहड़ा उस नूं लियाउण दे लई कटौती प्रस्ताव है जिहड़े ओह पूरी संसद दे विच सॉरी बजट दे विच संबंधी पेश कीते जांदे आ। देखो इक हुंदा कट मोशन हुण टोकन कट मोशन की हुंदा है इह इक विशेष शिकायत नूं प्रगट करदा है जो सरकार की जिम्मेदारी के दायरे के विच है। इस विच कहा गया है कि मंग की रकम के विच 100 रुपए की कटौती की जाएगी 26वें दिन स्पीकर बाकी सारिया मंगा नूं वोट पाउण दे लई रखदा है ते उन्हां दा निपटारा करदा है जदों कि उन्हां दे मैंबरां दे संबंधी मैंबरां नाल संबंधित विचार वटांदरा जिहड़ा ओह हुंदा रहिंदा है उस चीज़ ते उस टॉपिक ते विचार वटांदरा होना है जां नहीं होना इह किस भी जिहड़ी इह गल है इस दे अधीन लियांदी जांदी है। इक हुंदा नीति कटौती प्रस्ताव हुण इह की हुंदा है जदों ओह मंग रखी जांदी है इक मंग दे अधीन नीति की प्रवानगी दर्शाता है की जिहड़ियां पॉलिसीज की नीतियां जिहड़ियां उस दे विच अपनाईयां जांदियां जां उस ते विचार वटांदरा कीता जांदा है। इस संबंधी भी कहा गया है कि मंग की रकम घटा के 1 रुपए जिहड़ी ओह कर दित्ती जाएगी लागू होगी। आर्थिकता कटौती प्रस्ताव खर्चियां दे विच आर्थिकता की मंग है जिहड़ी ओह करदा है इस दे विच कहा गया है कि मंग की रकम नूं एक निश्चित किस्म दे नाल घटाया जाए जो कि मंग दे विच किसे आइटम की जां किसी भी तरह की कटौती जां भुल अगर कोई होंदी है तो उसका निपटारा है जिहड़ा ओह सही ढंग दे नाल कीता जावे। सो इस प्रकार इह सीगे साडे कोल अज दे जो तीन नवीन मसले जो साडे सामने आए हैं। धन्यवाद।